एंटाइटल्ड थी उन बाउंड्रीज की, और वो हमने बिल्कुल लीगल काम किया और बिल्कुल सही किया। आइंदा भी जो हमें इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में मिलेगा वो हम हवाले करेंगे जब भी आके। दूसरी बात, अगर पाकिस्तानियों के हवाले करने की बात आपने करनी है ना, तो नवाज शरीफ ने हवाले किया था, एमएल कांसी को उठा करके अमरीका के हवाले कर दिया गया था। परवेज मुशर्रफ के दौर में एक भी पाकिस्तानी को अमरीका के हवाले नहीं किया गया। जी कादरी साहब, कुछ आई डोंट वांट टू स्टील दिस शो बिकॉज माय फ्रेंड्स विल टेल अबाउट व्हाट ही इज गोइंग टू डू, बट टू से ऑनेस्टली फ्रॉम अ लॉयर to say United Nations resolution say terrorist handover in this country in England, that the Pakistani boy who's fighting, who's been charged with terrorism, who's gone through the High Court, House of Lords, now European Court, this country will not hand over even if they found Osama here. Hold on, please, you are a lawyer, he's a barrister sitting here, he'll contradict me. The due process of law, United Nations resolution cannot take it. If tomorrow Osama is caught, is mulk mein agar kahin Osama pakda jaye, Osama, they can't hand over it. So Prime Minister can't say, here you American, he will go to the magistrate court, he'll be extradited. जैसे आप सारी को किया गया यहाँ होना, हाँ, he will have a defence कि political होगा, वहाँ पे मुझे फांसी होगी, फांसी सजा इस country को नहीं है, only after due process of law, right? Even Pakistani constitution says nobody can be handed over at the whim of a president or a chief commissioner or a governor by saying he's a terrorist because my agency says he's a terrorist. Sure. If the man says I'm not terrorist, that matter has to go to the court to show a prima facie case, then only extradited. That's one thing in this country. And you can contradict me, he's a barrister. Barrister sahab, ye aap kisi dusri taraf ja rahe hain. Ab general sahab Pakistan mein chale jate hain. पाकिस्तान के आम शहरी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान के आम शहरी की जिंदगी में एक बुनियादी फर्क ये पड़ेगा कि आज का शहरी जो है वो, जिस तक को अंग्रेजी में एक इस्तेलाह है डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी, उस कैफियत का वो शिकार है। पाकिस्तान के शहरी को इस वक्त पाकिस्तान में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मसाइल का अंबार है, लेकिन मुहूम उम्मीद भी किसी तरह से नहीं है कि उसको कोई ऐसी क़यादत मुयसर आएगी या कोई ऐसी ताकत पाकिस्तान में आएगी, एक ऐसी तहरीक उठाई जाएगी कि जिसके नतीजे में उनको इन मसाइल से, जो इस वक्त क़यादत की शक्ल में है, क़यादत के फुकदान की शक्ल में है, माशी और सियासी इंस्टेबिलिटी की शक्ल में है, उनसे उनको निजात मिलेगी। मैं समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान की सियासत में अमली किरदार अदा करने का फैसला कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों को एक ऑप्शन जो है, एक मुतबादल ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान के लोगों की आगे मर्जी है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको मकबूलियत से नवाजते हैं या नहीं, वो एक अलग इशू है, वो तो उनका फैसला है ना। हाँ, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी एक तरफ आसिफ जरदारी लूटमार में मसरूफ है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ लूटमार में मसरूफ है, तीसरी तरफ मौलाना फजलुर्रहमान परमटों के सियासत में मसरूफ है, तो हम कहां जाएं, हमें कौन लीड करेगा? तो मैं समझता हूं कि एक क्रेडिबल लीडरशिप आएगी, और क्रेडिबल की जब मैं बात करता हूं तो याद रखें हम इंसानी क़यादत की बात कर रहे हैं, हम फरिश्तों की क़यादत की बात नहीं कर रहे। इंसानों की क़यादत में अच्छे फैसले भी किए जाते हैं, गलत फैसले भी किए जाते हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में आप हर किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन आप एक इल्जाम नहीं लगा सकते जो क़यादत के लिए बहुत जरूरी है, क्रेडिबिलिटी जो उनकी है, वो जो जाती क्रेडिबिलिटी है और जो कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी, आज तक 2.5 साल में, बल्कि 3 साल होने जा रहे हैं इस हुकूमत को, आज तक एक पैसे की करप्शन का केस ये उनके खिलाफ नहीं ला सके। वो एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं, वो पाकिस्तान में जाएंगे, इंशाल्लाह आवाम को फेस करेंगे। मैं समझता हूं कि आवाम के लिए एक उम्मीद की शक्ल उनकी सूरत में। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, कादरी साहब फाइनल। आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो पहले कह रहा हूं कि उनको जाना चाहिए। पहली दफे पाकिस्तान में कोई शख्स है कहता है मुझ पर इल्जाम है, और टीवी पर फैसले नहीं होते, इल्जाम तो है, इल्जाम तो है ना, चले नहीं, वो तो अगर है तो कोर्ट में तो पेश हो। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैज सेड एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड। सर मैं तो इल्जाम तो है, वो जब सही इल्जाम है गलत है, गवर्नमेंट इल्जाम जो भी है, अगर कोई, मैं कह रहा हूँ अगर कोई इल्जाम है, दैट्स गुड दैट ही इज रेडी टू गो एंड फेस इट।
मैं एक बात पूछना चाहता था कि दफे वो अकेले नहीं थे उसमें, शौकत अजीज भी जा रहे नहीं है, करप्शन के इल्जाम उन पर तो नहीं लगा है, लेकिन शौकत अजीज वाज इन राइट हैंड मैन, वो भी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो पाकिस्तान जा रहे हैं, शौकत अजीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनका हमारी पार्टी में, बात यह है कि जहां तक परवेज मुशरफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान जाएंगे और जिस तरह एक सियासतदान अवाम को भी फेस करता है और अपने ऊपर इल्जाम को भी फेस करता है, इंशाल्लाह हम उन इल्जाम को फेस करेंगे। जहां तक इल्जाम का ताल्लुक है, ज्यादातर 99% इल्जाम सियासी इल्जाम है जो सियासी तौर पर उठाए गए हैं, इनके अंदर कोई कानूनी सच कोई जवाब नहीं। फाइनल इनपुट प्लीज। इस वक्त तक परवेज मुशर्रफ क्या देख रहे हैं, मुशर्रफ साहब क्या तब्दीली लाएंगे? देखें, जिस तरह सैफ ने कहा, एक ऑप्शन लोगों को मिलेगी, एक ऑप्शन जो क्रेडिबल ऑप्शन है, जो एक पाकिस्तान में आप कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ का क्या कंपैरिजन है परवेज मुशर्रफ से? परवेज मुशर्रफ इज फार सुपीरियर देन बोथ ऑफ देम, पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड इलेक्ट हिम। जी नाजरीन, आज हमने बात की कि जनरल परवेज मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे मुअज्ज़ज़ मेहमानों का कहना है कि वो पाकिस्तान की होप हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक थर्ड ऑप्शन होंगे। कादरी साहब का कहना है कि उनकी ये बात काबिले सताइश है, उन्होंने कहा कि वो मुकदमात का सामना करेंगे। हर किसी की अपनी राय है, मुशर्रफ के बारे में आपने फैसला ना करें, अवाम को फैसला करने दें, ये उनका हक है कि वो जाएं, जाके इलेक्शन लड़ें, पार्टी बनाएं, अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो वो अदालतों में जाकर पेश हो जाएं, अपनी बेगुनाही साबित करें और फिर अवाम की खिदमत में लग जाएं। खुले दिल से फैसलों को तस्लीम किया जाए, फैसला करने से पहले एक तासब की नज़र से उसको रद्द ना किया जाए। परवेज मुशर्रफ अच्छे थे या बुरे थे, ये फैसला अवाम को करने दें। आप और मुझे इसका फैसला यहाँ बैठ के करने का हक नहीं, मुल्क हमारा वहाँ है, वो वहाँ जाएं, फैसला अवाम से ले लें। इसी के साथ नान खान को मेरे स्टूडियो से इजाजत दीजिए। मैं आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर कादरी साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ। असल अक्सर कहा जाता है जहाँ है तो जहाँ है। मैं हूँ आपका होस्ट मजर राना और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सेहत के मुताबिक एक बिल्कुल नया और मनफरद प्रोग्राम, कुछ सेहत के बारे में। इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा ले सकेंगे बजाय टेलीफोन, ईमेल, यानी एकदम इंटरैक्टिव, आपके सवाल का फौरी जवाब। सो देखना मत भूलिएगा, आपके लिए हमारी पेशकश कुछ सेहत के बारे में।